अब हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या है। फर्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 अंतर्राष्ट्रीय, इनके बीच में जो एक संवाद हुआ वो कहाँ किया गया था, तो यह वाशिंगटन में आयोजित किया गया। ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य में जो संवाद हुई, संवाद यानी इनके बीच में जो आपस मीटिंग की गई, यह कहाँ हुआ था, वाशिंगटन में यह आयोजित हुआ था। ठीक है, अब कब किया गया, तो यह किया गया था चूंकि हम लोग क्या है एक साल के करंट को देखना है 27 अक्टूबर को फोकस्ड करते हुए। ठीक है, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सुबोध, कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है। नाउ तो जहां बात आती है अमेरिका को लेकर कि यह डायलॉग हुआ था एक साल पहले, यानी ठीक सितंबर, यानी अब सितंबर ये आएगा तो क्या हो जाएगा, एक साल हो जाएगा। तो एक साल पहले जो है इनके बीच में यह मीटिंग की गई, मीटिंग कहाँ की गई, तो यह किया गया आपका वाशिंगटन में। और एक जो भी अगर मीटिंग करते हैं आपस में, तो सबसे पहले क्या होता है, मीटिंग का मुद्दा क्या होता है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलजुल करके क्या करें, आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग करें, राजनीतिक रूप से करें, रणनीतिक रूप से करें, यही मुद्दा होता है, सांस्कृतिक कल्चर को आदान प्रदान करें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नौ, दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त समुद्री गतिविधियों के संबंध में विचार विमर्श किया। इस लाइन का मतलब समझ में आता है, ये लाइन जो दिया गया है लास्ट, ये लाइन जो दिया गया है ये क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी आपका इंडियन, जो हम कह सकते हैं कि पैसिफिक रीजन है ना, इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र। इसमें क्यों बोला गया कि ये समुद्री गतिविधियों की जो बात की गई है, बस इसमें एक चीज समझिएगा, क्योंकि अभी आपको जब आप आगे का करंट पढ़ेंगे, जब आप इधर लास्ट मंथ यानी जुलाई का करंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर ये चीज मिलेगी, इंडो पैसिफिक रीजन। भारत क्या है, अगर आप थोड़ा सा, मैंने एक दिन क्लास में करवाया भी था, इंडो पैसिफिक रीजन ये सोच करके, ये मान करके चलें ये है, तो इसके साथ इस रीजन में जो भी कंट्रीज आते हैं जस्ट लाइक क्या क्या हो जाएगा, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है ना, और भारत तो है ही, तो इन सबों को क्या बोला गया कि यह इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, और इनके साथ क्या होने चाहिए, भारत के संबंध जो है बेहतर होने चाहिए। भारत इस कोशिश में भी है कि इंडो पैसिफिक रीजन वाले जितने भी देश हैं, या फिर इसकी जो एक्ट ईस्ट एशिया हो गई, या ये बोला जाए कि लुक वेस्ट एशिया है ना, ये भी जो है यानी ये पश्चिम के साथ, भारत अगर यहाँ है, अगर भारत आप देखेंगे भारत क्या कर रहा है, भारत यहाँ है। ठीक है, तो ये अपने साथ क्या कर रहा है, यहाँ जितने देश हैं ओके, प्लस इसके यहाँ पश्चिम में जो देश हैं, और ये जो इसके हिंद प्रशांत वाले जो क्षेत्र है, इन सभी के साथ भारत का क्या है कि नहीं, क्यों ना हम उसको सबके साथ जो है बेहतर संबंध बना करके चले। अब जितना बेहतर संबंध बनाएंगे उतनी क्या होगी, आपके हित के लिए यह बेहतर रहेगा। कैसे, आपका इससे आर्थिक रूप से आप सशक्त होंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा है ना, और आपकी जो टेक्निकल रूप से आप देखेंगे तो इसमें सशक्त होंगे। बहुत सारे ऐसे अभी आप देखेंगे तो हमारे रशिया से जो है अत्यधिक मात्रा में, जैसे डॉर्डियन हो गया या कुछ वेपन्स हो गए जो कि आयात किए जाते हैं। अगर वेस्ट एशिया की बात की जाए तो हम तेल अधिक से अधिक, मतलब अगर बोला जाए तो 2/3 से भी अधिक है ना, हम लोग क्या करते हैं, तेल का आयात करते हैं। तो हमारे संबंध अगर इनके साथ बेहतर रहेंगे तो ये हमारे लिए ही सही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए ही बोला गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त जो, और ये जो आईपीआर का मतलब हो गया, तो ये जो हिंद प्रशांत वाला जो क्षेत्र है, जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र में भी अगर आपकी अगर संबंध बेहतर है तो आप समुद्री रास्ते से भी तो व्यापार होती है ना, इन गतिविधियों को भी क्या होगा, इनके संबंधों को लेकर को जो विचार विमर्श किया कि हम कैसे अपने ट्रेड को इस रास्ते से भी कर सकते हैं ओवर अगर आप ओवरऑल भी समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसान है। और जिन लोगों को वेस्ट एशिया है ना, यानी जो आपके लुक वेस्ट एशिया हो जाएगी, या एक्ट ईस्ट एशिया हो गई, या आईपीआर समझ में आ गया, उनके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी क्लैरिटी के साथ समझ लीजिएगा कि इन देशों के साथ भारत जो है अपने पश्चिम में, पूरब में, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, इनके साथ जो भी कंट्रीज ट्रस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, यहाँ अगर आप देखते हैं ईस्ट में तो क्या आ जाएगा, प्रशांत महासागर के साथ अगर देखते हैं तो अमेरिका हो जाएगा, ऊपर देखेंगे तो जापान चला जाएगा, तो भारत जो है इनके सभी के साथ जो अपने संबंध को बेहतर करना चाह रहा है। और आईपीआर में इसके साथ तो चलो हो गया कि आपके रोड कनेक्टिविटी, जैसे ईरान वहाँ के चाबहार बंदरगाह हो गया है ना,
तो जो आपका रोड कनेक्टिविटी है, इसके साथ ही साथ आपकी हम यानी हम ये कह सकते हैं कि सड़क के साथ साथ, वायु के साथ साथ भारत जो है अपनी समुद्री गतिविधियों को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ओके, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून हर्ष, कैसे हैं? तो ये एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि भारत अमेरिका के बीच में जो 2+2 एक अंतर स्तरीय जो संवाद की गई, इस संवाद का मतलब क्या था कि वाशिंगटन में किया गया, तो आईपीआर को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना। इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं डैनियल तूफान, ठीक है? डैनियल तूफान क्या है, और ये इस तूफान ने किसको प्रभावित किया था, तो लीबिया और ग्रीस को। डैनियल तूफान ध्यान रखिएगा कहाँ आया हुआ था, तो डैनियल तूफान ये कहाँ था, लीबिया तथा ग्रीस को। इसने किसको प्रभावित किया, लीबिया प्लस ग्रीस को। डैनियल क्या है, एक जो है भूमध्य सागरीय तूफान है, बस इसको ये ध्यान रखना है कि कैसा है यह भूमध्य सागरीय तूफान है। तीव्र भूमध्य सागरीय तूफान को क्या बोला जाता है, मेडिकेन भी कहा जाता है, मेडिकेन भी कहा जाता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? मेडिकेन भी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग आए, भारत और बांग्लादेश ने 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत और बांग्लादेश ने। डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और बांग्लादेश बैंक के बीच में पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है किए गए हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो अभी जो संबंध चल रहे हैं, इन संबंधों में अभी आप लोग को मैंने एक दिन बांग्लादेश को लेकर के काफी डिटेल मैंने बताया भी था, है ना? बांग्लादेश में जो अभी वहां पे चेंज हो गई है, शेख हसीना वहां से हटके भारत आ गई है, और दूसरी चीज कि वहां पर अभी मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनको वहां का बनाया भी गया है, मतलब अंतरिम सरकार अगर बोला जाए, अंतरिम सेनापति तो उन्हीं को बना दिया गया है। तो खैर, अब यहां पर बोला गया है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश की रिलेशनशिप ऐसे भी देखेंगे तो भारत बांग्लादेश जो है इसकी ये डिपेंडेंसी है, ये किस पर है, भारत पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, ठीक है? नाउ तो अब यहां पर डिजिटल भुगतान के तंत्र में कौन कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किया, 3 समझौता कौन कौन सा था भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो केवल 3 को ध्यान रखना है। अगर केवल 3 को बात की जाए कि 3 समझौता कौन कौन सा था, तो पहला ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नौ। तो ये जो बोला गया कि भारत और बांग्लादेश था, ठीक है, तो पहला समझौता क्या था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के, NPCI। अब ये बताएं कि NPCI की, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि NPCI की लेटेस्ट अभी किसी महिला को सेबी का MD और CEO बनाया गया है, जो कि आपकी NPCI की COO थी। NPCI मैंने इसको बताया था क्लास में, आप लोगों को बताएं इसका NPCI, इसकी COO को, फिर से सुन लें क्या पूछना चाह रही हूँ, इसकी COO को अभी सेबी की MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आसमान से नहीं टपकेंगे एग्जाम में, एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आसमान से थोड़ी टपकेगा, वो क्वेश्चन यहीं से टपकने वाला है, जो क्लास ले रही हूँ क्वेश्चन यहीं से टपकने वाले हैं, तो आंसर बताएं कि उसका क्या होगा, ठीक है? नाउ
तो ये पहला समझौता हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय एनपीसीआई और बांग्लादेश बैंक के बीच में समझौता पर हस्ताक्षर किए गया है। ठीक है, पहला समझौता हो गया बांग्लादेश के बैंक के बीच में, यानी डिजिटल भुगतान तंत्र में, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर के एनपीसीआई और बांग्लादेश के बैंक के बीच में समझौता। फर्स्ट किसने दिया है आंसर? हर्ष, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। प्रवीणा राय, इन्हें सेबी का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है, एंड शी इज द सेकेंड वुमेन, ये दूसरी महिला है जो कि सेबी में नियुक्त की गई हैं। इससे पहले सेबी की अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? माधवी पुरी बुच, ये क्लास में, प्रीति, यस, वेरी गुड, प्रवीणा राय है ना, बहुत बढ़िया, प्रवीणा राय है जिन्हें एनपीसीआई पे, ये सीईओ थी जिन्हें की कहां शिफ्ट कर दिया गया है? सेबी में, और सेबी में ये दूसरी महिला है। अगर बोला जाए तो सेबी में अब तक जो है केवल दो महिला, माधवी पुरीबुच और प्रवीणा राय, इन दोनों के नाम को ध्यान रखिएगा। आगे को कुछ वर्षों में जो भी एग्जामिनेशन होंगे आपका, वहां पर क्या होगा, इन क्वेश्चन का संबंध हो सकता है, संबंध इन द सेंस कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और दूसरा, चूंकि महिला के ऊपर है तो थोड़ा सा संभावनाएं रहती भी है कि महिला को लेकर के क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नाउ दूसरा समझौता क्या किया गया है, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर के, ठीक है, 2023 से 25 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के नवीनीकरण पर यह केंद्रित है। सांस्कृतिक यानी पहला है डिजिटल पेमेंट को लेकर के, दूसरा है आपके कल्चर को लेकर के, और तीसरा जो समझौता किया गया है वह है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद के बीच में यह समझौता किया गया। तो तीन समझौते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक चीज और बताएं कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के दो क्वेश्चन है यहां पर, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, एंड सेकंड क्वेश्चन कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अभ्यास किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अभ्यास है उसे किस नाम से जाना जाता है। एंड द लास्ट थर्ड क्वेश्चन, वर्तमान में बांग्लादेश में अभी कौन है आपके प्रधानमंत्री, या हम कह, हाँ, इस पद पे कौन है अभी वर्तमान में, तो ये रिप्लाई करें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैक्सिको में गर्भपात अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है, मैक्सिको में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से, फटाफट आंसर करें क्योंकि मेरे पास और भी क्वेश्चन हैं पूछने के लिए अभी। नाउ न्यायालय ने कहा कि गर्भपात के लिए दंडित करने वाली व्यवस्था असंवैधानिक है क्योंकि यह महिलाओं के मानव अधिकार का हनन होता है। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है कि गर्भपात के लिए दंडित करने वाली जो व्यवस्था है वह असंवैधानिक है या महिलाओं के मानव अधिकार का हनन है। आपको क्या करना है, इस हेडलाइन को ध्यान रखना है, ये जो हेडलाइन बनी हुई है इस हेडलाइन को, अपराध की श्रेणी से बाहर, यानी अब गर्भपात अगर कराते हैं तो यह अपराध नहीं है। ठीक है, ठीक है हर्ष, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कितने ऐसे राज्य हैं भारत के जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। नाउ वर्ष 2021 में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से जो है निकाल दिया गया था, लेकिन तब यह सिर्फ दो राज्यों पर लागू था, दो राज्यों पर। मैक्सिको में गर्भपात कराने वाली महिलाओं पर 3 वर्ष तक की जेल और जुर्माना लगाया जाता था। मैक्सिको के 12 राज्यों ने पहले ही गर्भपात को अपराध की श्रेणी से क्या किया है, बाहर किया है। ओवरऑल आपको हेडलाइन को ध्यान रखना है। अच्छा, गर्भपात को लेकर के जो बोला गया कि कौन सा ऐसा, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसने इसे संवैधानिक, मतलब एक ये कहा है कि ये संवैधानिक है, मतलब उसका दर्जा दे दिया गया है गर्भपात को लेकर के, विश्व का ऐसा कौन सा देश है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है? नौ, नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव किया गया। ओके, नेपाल के ललितपुर में, चलिए देख लेते हैं, ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव। कलिंग आप लोगों को पता है उड़ीसा का पुराना नाम, पहले कलिंग था। अगर इतिहास आप लोग और इतिहास पढ़ते ही हैं तो उड़ीसा का पुराना नाम पहले क्या था, कलिंग था। किससे लिखा है, वेस्ट बंगाल, बिहार बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, बिहार बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। प्रीति, यस प्रीति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है हर्ष, बिहार सीमा साझा नहीं करता है,
कौन कौन से हैं? मेघालय है, मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा है एंड पश्चिम बंगाल है। ये पांच राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं और ये आपके एग्जाम में पूछता भी है। और इनमें से अगर भारत के साथ जितने भी देश टच में हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, जापान सॉरी पाकिस्तान हो गया, तो इन सबों में अगर आप देखेंगे तो भारत की जो सबसे अधिक सीमा वो साझा करता है ना, तो वो किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। सबसे अत्यधिक सीमा 4000 समथिंग है। इसके अलावा त्रिपुरा जो है उसके साथ, अगर त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा जो है तीन ओर से वो किससे घिरा हुआ है? या बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा तीन साइड से एग्जाम में आपके क्वेश्चन से पूछता भी है। नौ, तो बोला गया है वानुअति 83 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। चलिए यहां पर थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। ये लाइन बाय मिस्टेक यहां पर आ गई है, इसको मैं कट कर दे रही हूं। ये लाइन बाय मिस्टेक यहां पर आ गई है, ठीक है। नाउ, यशस्वी एकेडमी नेपाल और भारत के कलिंग साहित्य महोत्सव KLF के द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया। नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के जो साहित्यकार हैं इस महोत्सव में शामिल हुए। कहाँ कहाँ के? नेपाल के, भारत के, भूटान के, बांग्लादेश के और श्रीलंका के, ठीक है। प्रोफेसर अवधेश प्रधान, अभिनेत्री और लेखिका दिव्या दत्ता, प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरल और अभिनेत्री मनीषा कोराला को क्या दिया गया है? SSV सम्मान जो है प्रदान किया गया। तो इन सबों में इंपॉर्टेंट है किसको दिया गया है, तो यह दिया गया है मनीषा कोराला को भी SSV सम्मान जो है दिया गया है, ठीक है। चलिए नौ, 11वें IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक क्या है ये? प्रीति क्या लिखे हैं आपने? 11वें IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक, देख लेते हैं क्या है। 11वां IBSA त्रिपक्ष मंत्री स्तरीय आयोग की जो बैठक की गई है, यह इसका बैठक 22 सितंबर को 78 संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के मौके पर न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, ठीक है। कहां पर किया गया? या यहां पे हेडिंग आपको ये ध्यान रखना है, हेडिंग को ध्यान रखिएगा। 11वां कौन सा था? IBSA त्रिपक्ष मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक। अब इस IBSA में कौन कौन से देश शामिल है, हमें यह देखना होगा कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है, ठीक है ना। और यह इसकी जो बैठक की गई है कहां पर? तो न्यूयॉर्क में। या हालांकि इसमें न्यूयॉर्क का थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि यहाँ इसकी बैठक की मेजबानी ब्राजील के विदेश मंत्री ने की थी कुछ। एक मिनट, मुझे थोड़ी सी यहां पर जस्ट ए मिनट, चलिए ठीक है। हाँ, बढ़ते हैं आगे ना। तो इसमें 78th जो ये बात की जा रही है, 78th संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके मौके पर न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। उस बैठक की मेजबानी ब्राजील के विदेश मंत्री ने की थी। एक्चुअली IBSA में शामिल कौन कौन है? तो आपका इंडिया है, ब्राजील है एंड साउथ अफ्रीका। इसलिए इसको क्या बोला गया है? त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक। तीन देश इसमें शामिल है, इंडिया, भारत एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय को बढ़ाना है। दक्षिण चूंकि अगर आप देखते हैं, सपोज ये हमारा क्या किया गया, यह हमारा विषुवत रेखा है, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए तो ये मान के चले कि इंडिया हमारा यहां हो गया, ठीक है, ब्राजील हमारा यहां हो गया और साउथ अफ्रीका कहां हो गया? हमारा यहां हो गया। यानी ये टोटल क्या है? साउथ में है। ये तीनों के तीनों कहां है? साउथ में है। इसलिए इस याद रखिएगा, इस बैठक की मेजबानी जो की गई थी, IBSA जिसको बोला गया है, IBSA, इस बैठक की मेजबानी तो ब्राजील ने किया, ठीक है, ब्राजील ने किया। और इसका उद्देश्य भी क्या है? तो दक्षिण यानी साउथ के जो भी कंट्रीज होंगे उनके सहयोग के लिए एक समन्वय को ये बढ़ावा देता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के अधिक का आह्वान किया। IBSA की पहली शिखर स्तरीय बैठक जो है कब की गई थी? 2006 में। IBSA की पहली शिखर स्तरीय बैठक 2006 में ब्राजील में आयोजित की गई थी। IBSA की पहली बैठक,
इसको ध्यान रखिएगा 2006 में. नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि अमेरिका में 25वां आईएसएस आयोजित किया गया और इसमें कौन कौन शामिल हुआ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, फिजी, इजराइल, इटली, जापान, केन्या, यानी इतने देश जो है इसमें शामिल हुए हैं इस आईएसएस में. और यह क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी आईपीआर और अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था के विजन को साकार करने की दिशा में भारतीय नौसेना की दृढ़ता को प्रदर्शित करता है. तो इस पॉइंट को यहां पर ध्यान रखिएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में मालाबार, सी ड्रैगन, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज और टाइगर ट्रम्फ जैसे द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अभ्यासों में इसने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है. ओके नाउ नेक्स्ट है भारत सऊदी अरब, इनके मध्य जो है 8 समझौते किए गए हैं भारत और सऊदी अरब के मध्य. तो कौन किस किस क्षेत्र में है, ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता किया गया है, ऊर्जा के क्षेत्र में. अगेन दूसरा कौन सा है, डिजिटलाइजेशन, डिजिटीकरण करना है और इलेक्ट्रॉनिक जो विनिर्माण है इसके क्षेत्र में सऊदी अरब के संचार और आईटी मंत्रालय प्लस भारत का माइटी इनके बीच में सहयोग किया गया है. यानी किसके किसको लेकर, ऊर्जा को लेकर के, डिजिटलाइजेशन की अगर बात की जाए, इसके अलावा सीवीसी है ना, और सऊदी अरब की जो है यानी सीबीसी, इन दोनों के बीच में समझौता है, अभिलेख को लेकर के समझौता है. ठीक है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार. तो 8 जो समझौते किए गए हैं, बस समझो एक एक वर्ड में ध्यान रखिएगा. इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरब का निवेश मंत्रालय के बीच में द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने पर समझौता की गई है. सऊदी जो आपके एक्जिम बैंक है और एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया, इनके बीच में समझौता किया गया. सिडबी और सऊदी अरब का एसएमई बैंक, इनके बीच में लघु और मध्यम उद्यम की तकनीकों को लेकर समझौता किया गया है. भारत के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी और सऊदी अरब के खारा जल रूपांतरण निगम के बीच में समुद्री जल अलवणीकरण, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की आप लोगों को आवश्यकता है, जो इसे लेकर के समझौता किया गया है. ठीक है, क्या है, एक क्या प्रीति क्या लिखी है मैम आप एक बार से, अगस्त का भी, हाँ अगस्त का पूरा कंप्लीट, अच्छा अगस्त का भी ठीक है करवा दूंगी, अगस्त का भी करवा दूंगी. ठीक है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, मेजबानी भारत ने की. इस सम्मेलन में वर्ष 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता ब्राजील को. देखिए G20 को लेकर के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक साल पहले ही हुआ है ना, पिछले साल 9-10 सितंबर को हुआ था. पिछले साल क्या हुआ है, 9-10 सितंबर को ये हुआ है पेपर आपका G20 सम्मेलन, और आपका एग्जाम है 27th of October. तो अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रेटेजी रहती है आयोग की, कि आपको एक साल का करंट जो है वो पढ़ के जाना है, तो हो सकता है कि उसमें ये पूछा जा सकता है अगेन G20 के ऊपर. ठीक है, G20 आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कौन सा था, यह 18वां G20 था. इसके अलावा मेजबानी भारत ने कि इस सम्मेलन में वर्ष 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता जो है किसको सौंपी गई है, या ब्राजील को सौंपी गई है. G20 की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है, ब्राजील को. ठीक है, इसका विषय क्या था, वसुधैव कुटुंबकम था, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है. यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन ठीक है, इसमें कितना देशों का समूह है, यह तो यह 27 देशों का समूह है. यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है. उसी प्रकार से एक आपका अफ्रीकी संघ है, जो कि आपके 55 देशों का एक संघ है. अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी जो अफ्रीकन यूनियन जिसको हम कह सकते हैं, इसमें कितने देश शामिल हैं, ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है आ सकता है, यह इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इसमें 55 देश शामिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको G20 का अस्थाई सदस्यता जो है दे दिया गया, इसीलिए G20 को अब क्या बोला गया है, G21 माना गया है. G20 को अब क्या बोला गया है, G21, जब से अफ्रीकी संघ उसमें शामिल हो गया है. कोमोरस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, अजाली असोमानी. इन्होंने G20 के अस्थाई सदस्य के तौर पर इन्होंने आसन जो है ग्रहण किया है, तो इसको ध्यान रखना है. ठीक है, क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा. इसके अलावा जो बोला गया है क्या है, अस्थाई सदस्यता जो है इन्होंने प्रदान
की गई। कॉमोरस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असवानी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी करके बताइएगा। दूसरा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के नेताओं के साथ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस, यानी जिसको बोला गया है GBA। और कितने देशों के साथ है, कौन कौन से देशों के साथ? सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के नेताओं के साथ इन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। ठीक है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC की भी घोषणा की गई। मैंने आपको लोग को अभी लास्ट जब जुलाई का मैं पढ़ा रही थी तो उस समय भी मैंने बताया था आपको, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है ना, अभी मैंने आप लोग को समझाया था इसे जब मैं आप लोग को एक्ट ईस्ट एशिया पढ़ा रही थी और बेनिफिट्स पढ़ा रही थी, तब मैंने आप लोग को इन चीजों के बारे में बताया था। ओके, नाउ तो इसको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रस्तावित IMEC में भारत को क्या करना है, खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा जो है इसमें शामिल होगा। नई दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन किया गया G20 का, इसमें ट्रॉयका बैठक का भी आयोजन किया गया। ट्रॉयका, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आखिर ये ट्रॉयका होता क्या है, ट्रॉयका क्या है, ट्राइका क्या है, ध्यान रखिएगा। ट्राइका को कुछ आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, ये ट्राइका को कुछ आप ऐसे याद रखिएगा। ट्राइका का मतलब होता है कि पिछली बैठक कहाँ हुई थी, वर्तमान की बैठक और नेक्स्ट ईयर की बैठक कहाँ होगी। ट्राइका जो शब्द है इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट टाइम बैठक की गई है, यानी लास्ट टाइम बैठक कहाँ हुई थी, ये कौन सा है, 18वां बैठक है, ये कौन सा है, 18th है, तो हमारी किसकी बात कर रहा है यह, 17th की, तो 17th जो बैठक की गई, 17th बैठक वो कहाँ की गई, वह किया गया आपका इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, ठीक है। अब 18th कहां किया गया, 18th किया गया आपका इंडिया में, और बात की जा रही है ट्रॉयका में कि 19th कहां होगा, तो यह होगा आपका ब्राजील में, यही इसी को बोला गया है ट्रॉयका, यही शब्द क्या है, ट्रॉयका है। ओके, ट्रॉयका बैठक का भी आयोजन किया गया और इसमें कौन कौन से हैं, तो लास्ट ईयर जो बैठक हुई, वर्तमान कहां हुई और नेक्स्ट ईयर कहां होगी, और अभी यानी 2023 में जो पूरी प्रेसिडेंसी जो थी आपकी G20 की इंडिया के पास थी, लेकिन 2024 यानी इस साल जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, ब्राजील के पास है, इसलिए 19th 2024 G20 की बैठक कहां होनी है, ब्राजील में होनी है, ब्राजील में होगी। ओके, नाउ अब भारत की G20 की अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं में सतत विकास लक्ष्य, जो भारत में जो प्रेसिडेंसी यानी भारत की जो पास जो प्रेसिडेंसी थी, भारत जो अध्यक्ष रहा, तो इसका पूरा फोकस किस पर था, SDG को लेकर के, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के इसकी मुख्य फोकस थी, और जलवायु कार्रवाई जो इसमें शामिल रहे, जलवायु यानी क्लाइमेट को लेकर के क्या क्या काम किया जाए, ठीक है, इसकी भारत अपने तरफ से क्या प्रायोरिटी रखा, चूंकि G20 क्या है, G20 जो ग्रुप ऑफ 20, 20 देशों का समूह है ना, तो इन 20 देशों के साथ भारत ने बोला कि हमें किस प्रकार का काम करना चाहिए, तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें कि टोटल SDG में कितने टारगेट्स है, SDG 17, टोटल 17 टारगेट्स है जिसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, है ना, और इन 30 में ये, और उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज को हम लोग लेकर के, जलवायु को लेकर के जो हम लोग लगातार प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसको भी क्या बोला गया कि इसका एक मेन प्रायोरिटी में रखा गया, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये समझने वाली चीज होती है, रटने वाली नहीं। देशों के नई दिल्ली घोषणा में धारणीय विकास, खाद्य सुरक्षा जैसे विविध वैश्विक मुद्दों पर भी, तो खैर ये चर्चा का विषय, जब हम बैठते हैं तो कुछ ना कुछ चर्चा होती ही है। G20 देशों ने वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय यानी ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना करने की दिशा में भी काम करने का संकल्प लिया है। कितना करना है, 2030 तक 3 गुना करना है, किसे, ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को। ओके, नाउ इसके अलावा
इसका गठन जो है सितंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त स्थिरता को बनाए रखने के लिहाज से किया गया था। तो G20 का गठन कब किया गया था, 1999 में। बस तो ये हो गई, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसकी थीम क्या थी, विश्वास का पुनर्निर्माण, वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, सभी के लिए शांति समृद्धि प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई में तेजी लाना। सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में टोटल 193 कंट्रीज हैं, और आपके जो ये इंपॉर्टेंट डेट वगैरह होते हैं ना कि कभी आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय ये दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इन सभी को किसके द्वारा डिक्लेयर्ड किया जाता है, तो यह डिक्लेयर्ड किया जाता है UNGA के द्वारा। मैंने क्लास में बहुत टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि UNGA के द्वारा इन सभी को जो है डिक्लेयर्ड किया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। नमस्ते नमस्ते विनय, कैसे हैं आजकल आप क्लास में इतने लेट कैसे हो जा रहे हैं, क्या बात है। प्रेजेंट में G21 बोला गया है, बिल्कुल प्रेजेंट में यह G20 है, लेकिन जब ये बैठक हुई थी यानी सितंबर 9-10 को ये G20 ही था, 10th को ये 21 बन गया था, जब इसमें अफ्रीकन यूनियन के 55 जो देश हैं उनको इसमें शामिल कर लिया गया, इसका मेंबर बना दिया गया, ठीक है। नौ, और इस सेशन में वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और गरीबी से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चर्चा। कभी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए एग्जाम में, और सपोज अगर कहीं पूछता है कि इस देश के साथ क्या क्या समझौता या इसका क्या है, अगर जलवायु को लेकर के कोई शब्द है पॉजिटिव रूप में तो आप उसको जरूर शामिल कर लीजिएगा कि उसके आंसर, कभी कभी होता ना कि चलो हमको आंसर समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्या जलवायु वाली बातें उसमें की गई है, तो डेफिनेटली कोई भी देश हो किसी के साथ भी आज के समय में अगर कुछ भी बातें हो रही है तो जलवायु उसमें हमेशा शामिल रहता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक है जो आपको आसान होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। विशेष रूप से विकास की कमी वाली क्षेत्रों में समृद्धि सुनिश्चित करना एक प्राथमिकता है। अन्य प्राथमिकताएं क्या क्या है, वित्त पोषण, टेक्नोलॉजी एंड लोन कैपेसिटी, सदस्य देशों में शांति को बढ़ावा देने के साधन के रूप में कमजोर आबादी को सशक्त बनाने का आह्वान, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जो पहले थे ज्योतिराव सिंधिया, इन्होंने 24 सितंबर को यानी लास्ट ईयर अरुणाचल प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था, तो यह किया था तेजू हवाई अड्डे पे, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 21 सितंबर को पहले यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया, तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है आपके यूपी पीसीएस के स्पेशल पेपर में यह पूछा जा सकता है, स्पेशल पेपर में लाइन है, और पहले इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये वर्ड पहला, क्योंकि यह पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन रहा है जो कि ग्रेटर नोएडा में किया गया था। हालांकि जब मैं क्लास ले रही थी उन दिनों तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी अब हो सकता ध्यान ना हो तो ध्यान रखिएगा कि यूपी का, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन कहां किया गया था, नोएडा में। दक्षिणी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 15 सितंबर को कहां आयोजित की गई, केरल के तिरुवनंतपुरम में। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण कहां किया है, गुवाहाटी। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की, यानी अफीम की खेती, अफीम या पोस्तो जो उसका दाना होता है, होता क्या था, ये इलीगल है यानी इसे बैन माना गया है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप इसकी जो खेती कर सकते हैं, तो कहाँ पर, MP राजस्थान और यूपी में, MP राजस्थान और यूपी। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने क्या किया है, ICAR और CIBA झींगा किसान सम्मेलन के दूसरे एडिशन का उद्घाटन कहाँ किया, गुजरात के नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में। झींगा मछली जो कि काफी कॉस्टली मानी जाती है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BPCL के बीना रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है, तो MP के बीना में। 12 सितंबर को 20,000
20,000 से 1,00,000 की आबादी वाले 100 सबसे पिछड़े शहरी निकाय में आकांक्षी शहर योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दिया है? यूपी ने दिया है, यूपी, ठीक है, आकांक्षी, ठीक है। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने 26 सितंबर को 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहाँ किया? तो यह नई दिल्ली में किया है, इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ की बैठक, यह इंपॉर्टेंट है, आर्मीज चीफ। मोदी ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया है? वाराणसी में, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन याद आया मुझे अभी, ये बताएं, एक कनेक्टिविटी ऑफ टेम्पल्स है ना, यानी टेम्पल को जोड़ने का काम, जितने भी हिंदू मंदिर है उन सभी को जोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? हिंदू मंदिरों को जोड़ने का काम ये कहाँ स्टार्ट किया गया? सही, बहुत सही हर्ष, दिमाग आपने सही लगाया, वाराणसी देखा तो आपको लगा कि शायद क्वेश्चन में वहीं से पूछ रही हूँ ना, बहुत सही, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानून विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन, ठीक है। भारत की G20 अध्यक्षता में अवसंरचना कार्य समूह की चौथी जो बैठक है इसको कहाँ आयोजित की गई है? MP के खजुराहो में। किस संस्थान ने 26 सितंबर को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। ओके, नाउ केंद्रीय मत्स्य पालन और ट्रांसजेंडर्स के लिए जो पहला OPD खोला गया है वो कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, इसको भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री रूपाला को मत्स्य पालन विभाग की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा देश भर के जो स्कूल और कॉलेजों में कितने मानक क्लब स्थापित किए गए हैं? इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। डिजिटल इंडिया टॉक शो सा इंटरएक्टिव सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय में। केंद्र सरकार ने भारत की कम लागत वाली किस एयरलाइन को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी है? आकाशा एयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक 18-19 सितंबर को कहाँ आयोजित की गई? रायपुर छत्तीसगढ़ में। संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हो गई है, पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? ये इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान सदन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है? तो कर्नाटक का होयसल पवित्र मंदिर समूह और 41वां शांति निकेतन, 43वां असम का मोइदम, ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली में भारत के G20 प्रेसिडेंसी पर किस नाम से एक ई बुक का अनावरण किया है? पीपल्स G20। रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? या नई दिल्ली में। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां स्थल कौन सा है? शांति निकेतन। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इन्होंने कृषि सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? एकीकृत पोर्टल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? जयपुर से किया है। CSIR एंड NICSPR ने 15 सितंबर को एक सप्ताह एक लैब कार्यक्रम के तहत विज्ञान ज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान के साथ साथ आयुष्मान भव पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया है? गांधीनगर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह किया गया है वेल के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री स्किल इंडिया डिजिटल का शुभारंभ कब किया है? 13 सितंबर को। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री इन्होंने 141 PM श्री स्कूल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला कहां रखी है? देहरादून में। किस मंत्रालय ने हाल ही में विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 248 स्वच्छता अभियान संचालित किए? जल शक्ति मंत्रालय ने। दवा कंपनी, इसको छोड़ दीजिए, आरती की को, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 57 हो गया ना।
आज की क्लास को यहीं एंड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास आप लोगों की अभी 1 बजे क्लास है ना, तो एकदम स्ट्रिक्टली है कि मुझे 1 बजे से पहले क्लास को एंड करना है, ठीक है। इसके लिए मेरे पास कॉल भी आई थी, तो आई एम सो सॉरी। जो कुछ पेंडिंग रह गया है इसे कल की क्लास में मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगी। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।